सही। इस चैप्टर का नाम है सेकेंड ईयर चैप्टर 6 का, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। और ये आपके पास जो है ये एक पूरा पूरा कौन सा चैप्टर है? बॉटनी का बॉटनी। जबकि क्रोमोसोम्स जहाँ तक मुझे पता है एनिमल्स में भी होते हैं। चूंकि ये सिनबोर्ड है तो आप समझ सकते हो उनकी मजबूरी कि उन्होंने इसको बॉटनी में रख दिया बस। जबकि क्रोमोसोम्स तो हम लोग भी हैं, डीएनए तो हम लोग भी हैं। सही। तो आपके पास में सिलेबस चैप्टर डालने थे ना उनको। मतलब ये ऐसा सीन है, ये इफ्रा मेरे पास एक लेवल्स की स्टूडेंट है और ये मेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स है अनीस हुसैन की। तो ये बेहतर समझ सकती है ना क्या मसले मसाइल है इसके, इस सिम बोर्ड में। मतलब जो कैमरे से बच्चे स्विच करते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, क्रोमोसोम से डीएनए में हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ पहले इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक है इसमें आपके पास मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स कि क्रोमोसोम्स क्या है फलाना। फिर एक है टॉपिक जिसको कहते हैं कैरियोटाइप। फिर इसमें आपके पास है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। एक है आपके पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक है आपके पास इसमें एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटीरियल, एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटरी मटीरियल, कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर आपके पास एक सवाल है, कौन सा टॉपिक है भाई? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। सर इस साल कौन सा इम्पोर्टेंट है? हमने अभी ना, मैं बॉटनी का गेस्ट पेपर में थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ कुछ वजह से। अभी मैं तो मैं बताना थोड़ा सा वो हो जाएगा इस साल, ये वाला ओके सही। लेकिन थोड़ा सा वेट करना क्योंकि मैं जिस रिसोर्स का वेट कर रहा हूँ वहाँ से अभी तक थोड़ा सा आना बाकी है। क्योंकि मैं 3-4 जगह से सब मिला मुल के करता हूँ, क्योंकि वो एक गेस्ट पेपर के बाद फिर मैं ये नहीं कहता कि बाकी कॉलेजेस के देखो। फिर अलहमदिल्ला हमारे पास मेरिट एंड मेरिट में हमारे पास एक स्टूडेंट है तो उसके बायो में फर्स्ट ईयर में 97 आए 100 में से, एक के 95 आए और सब बच्चों के 85 86 आए अलहमदिल्ला माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह। वो अभी हमारी तुम्हारे कैंपस की स्टूडेंट है वो, ये चीज़ है, ये एप्टीट्यूड भी पढ़ती है वो, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। अच्छा जी, वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है। उसके बाद फिर आपका ना भले करें और कौन कौन से टॉपिक्स हैं मेजर टॉपिक्स। उसमें एक आपके पास टॉपिक है म्यूटेशंस, उसका एक लंबा सीन है बस। म्यूटेशंस हो गया। उसके बाद फिर एक और भी है जीन एक्सप्रेशन कर लो, मतलब मेजर मेजर बता रहा हूँ, जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। और आपको ये जान के खुशी होगी जो मैंने मेजर मेजर बताए ये सारे लॉन्ग है ज्यादातर, हमने ये शॉर्ट है अच्छा जी। ये भी लॉन्ग की एक कैटेगरी है, ये भी सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया, ये भी लॉन्ग का सीन है। हाँ ये भी लॉन्ग, कुछ हुआ है भाई समझ गया कुछ। सही। ये भी लॉन्ग और ये भी लॉन्ग, ये सीन है हमने। ये सेकेंड ईयर का सबसे बड़ा चैप्टर है बॉटनी पोर्शन का, एक ये वाला चैप्टर और एक जी चैप्टर 8। चैप्टर 8 भी इसके सामने कुछ भी नहीं क्योंकि इसकी बेसिक्स भी इसी चैप्टर से आती है। अब ये इन्फिनिक्स नोट आई डोंट नो, मैंने बोला भी था तो फायदा नहीं है क्योंकि मैं अलाउ नहीं कर सकता, ये कोई भी हो सकता है। तो
फायदा नहीं है। अच्छा, क्योंकि इसकी वजह से ना कुछ इश्यूज होते हैं, इसलिए वो फिर मजबूरी है। अच्छा, आप लोगों ने बच्चों टॉपिक का स्नैपशॉट अगर लेना है तो जैसे भी हो, हमने एक स्नैपशॉट ले लो कि आप इसके। ठीक है। हाँ ठीक ओके। अच्छा, अब आ जाओ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन क्या समझ में आती है? व्हाट इज अ क्रोमोसोम? जी, क्रोमोसोम ये एक सेल है। सेल के अंदर होता है हमने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्रोमोसोम्स तो नहीं कहते, कुछ इसी से सिमिलर टर्म होती है। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बायो में कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। सही है, यानी कि व्हाट इज अ क्रोमोसोम? अभी उसी की तरफ आ रहा हूँ। प्रोमो, प्रोमो का तो मतलब होता है कलर्ड, और सोम निकला है सोमा बॉडी का, मतलब होता है बॉडी। तो मतलब क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज। हाँ ना सर, बिल्कुल। आप भी, आपने भी तो क्रोमोसोम्स रेड बनाए। तो ये एक मिसनोमर टर्म है, क्रोमोसोम्स आर नॉट कलर बॉडीज, लेकिन फिर भी क्रोमोसोम ही बोलते हैं। ऐसी टर्म जिसके नाम से उसका मतलब जो है मैच नहीं करता है, या उसका जो मतलब है वो अपने नाम पे फिट नहीं बैठता, तो वो ऐसी टर्म्स को हम लोग बायो में कहते हैं मिस नोमर। मिस नोमर तो क्रोमोसोम का जो वर्ड है ये यही चलेगा जिंदगी भर, लेकिन इसका जो मतलब है अपने नाम से मैच नहीं करता। तो क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडीज नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम्स जो है ना वो डार्केस्ट बॉडीज है। सर, एक्सरे की तरह ना, कि एक्सरे भी मतलब अब तो नोन है, लेकिन हाँ बिल्कुल। और आपको पता है क्रोमोसोम जब सबसे पहले इनका प्रॉपर या डीएनए का जो वो हुआ वॉटसन क्रिक वाला, तो वो भी एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था। मतलब उस वक्त भी इतना सीन था, और एक्सरे वाली टर्म भी तुम वही कह रही हो, बिल्कुल मिस नंबर। तो क्रोमोसोम जो है वो डार्केस्ट बॉडीज हैं। अब क्रोमोसोम जो है वो कलर्ड बॉडीज किस ने बोला था? ये क्रोमोसोम जो है वो डिस्कवर्ड हुए थे सेलेमेंडर, सेलेमेंडर, सेलेमेंडर के लार्वे में। सेलेमेंडर एक रेप्टाइल का नाम है, जो कि होता है बड़ी फॉर्म ऑफ छिपकली, लिजर्ड लाइक। सही। तो यस इसमें एक साइंटिस्ट ने इसके लार्वे में जो न्यूक्लियस है इसमें एक डाई लगाया, उस डाई का नाम था परकिंस एनिलीन। और उस डाई के बाद जब उसके लार्वे को स्टडी किया तो फिर उसको पता चला कि यार इसमें तो कलर्ड बॉडीज है। अल्लाह के बंदे, जब तुम किसी भी चीज में डाई डाय लगाओगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो कलर्ड ही हो जाएगी। तो क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडीज थोड़ी है, क्रोमोसोम्स से डार्केस्ट बॉडीज है, क्योंकि तो बहुत ज्यादा नेटवर्क की फॉर्म में रहते हैं। उस नेटवर्क को हम लोग बायो में कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। उस नेटवर्क को हम लोग बायो में कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। एक सेकंड सर, मैंने नहीं लिया। ओके, सॉरी सॉरी। फिलिप, आप स्नैपशॉट ले लो। जी, अपना इफ्रा स्नैपशॉट डन। सही। ओके सही। तो ये चीज है, और सॉरी असल में इट इज नॉट अ रेप्टाइल, मैं भूल गया, माय माय बैड। सिलेमिलर एम्फीबिया में।
मैं वही सोच रहा इतनी देर से, कुछ भांड हुआ है। एम्फीजियन ओके सही। तो अच्छा, अब ये तो इतने सारे जो नेटवर्क है इसको हम लोग बायो में कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और सर मुझे क्रोमोसोम से यहाँ विजिबल नहीं है, तो क्रोमोसोम्स के बारे में एक और चीज, क्रोमोसोम्स सिर्फ तब विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड करते हैं, और ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा था ना, माइटोसिस मियोसिस, तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते थे, विजिबल हो जाते हैं। अच्छा तो सर इसमें से प्लीज एक निकाल के दिखाए ना, जबरदस्त तो स्पेगेटी टाइप का कुछ लग रहा है। तो अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो ये इसी के उसमें आपको तीन टर्म समझ में आ जाएंगे। अगर मैं सिंपल एक धागे की बात करूँ और मैं इसकी बात करूँ, इन दोनों में एक फर्क है, ये थोड़ा ज्यादा कंडेंस है। और ऐसे अगर मैं दो लगा दूँ, इनमें से क्रोमोजोम कौन सा है? हाँ भाई, ए वाला, बी वाला या सी वाला? सी वाला, इनमें से क्रोमोसोम आमना कैरी ए वाला, इतना आप भी बताओ। अच्छा ये मैंने सी बोला, सी वाला आमना, झूठी तुमने ए बोला ना। अच्छा नहीं सच में मैंने सी वाला सॉरी जी भाई, इतना आमना तो गलत जवाब दे रही है, आमना कैरी सी है। तुम बताओ इनमें से क्रोमोसोम कौन सा है? इतना जल्दी 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 सर, ए नहीं। इतना देखो, तीन चीजें होती है। सबसे पहले होता है आमना, आप सही कह रही थी, मजाक कर रहा था मैं, ए मैं वाला समझ। क्रोमैटिन सबसे सिंपल थ्रेड, फिर ही कंडेंसेशन होती है तो ये थ्रेड बनता है क्रोमैटिड। और यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स हैं और ये दोनों सेम है तकरीबन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेम को बायो में कहते हैं एस फॉर सेम, एस फॉर बाजी, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जी इज इक्वल्स टू वन क्रोमोसोम। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम, जो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, बीच में एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हम लोग बायो में कहते हैं सेंट्रो मेयर। सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर, बीच में, मेयर निकला है मर से, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है सर? प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बायो में कहते हैं काइनेटिक कोर। सर तो ये इनको ज्वाइन रखता है। यस, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ना, इसके स्पिंडल फाइबर किसके, माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान, ये तब वहीं से उसको खींचते हैं, और आधा इस तरफ आधा इस तरफ आते सेल डिवीजन में। वो सेल साइकिल मैंने पढ़ाया था, तो आप आपके बच्चों के पास एक इसका स्नैपशॉट ले लो, जब तक मैं एक जरा स्टूडेंट को रिप्लाई कर दूं। सर अच्छा
देखो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होता है या डिफरेंट है? बिल्कुल, डिफरेंट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी इन स्पीशीज। मैं आपको कुछ यहाँ पे दो चार ऑर्गेनिजम्स के स्पीशी के नाम बताता हूँ आपको, उसमें क्या बताने उनके अंदर के क्रोमोसोम्स, और आपके विजेसिन बोर्ड में है। मिसाल के तौर तो पे एक होता है फंगस जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, उसमें आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताने। शुगर केन, उसमें आपको बताने। ह्यूमंस में तो आप सबको पता है 46 सही, 46 और पेयर्स की फॉर्म में। बिल्कुल, देखो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जब उसी को आप कर दोगे आधा तो उसका हो जाएगा पेयर्स। मिसाल के तौर तो पे आपने यहाँ पे लिखा ह्यूमंस में है सर 46, तो स्लैश करके इसका आंसर होगा 23 पेयर्स। तो यहाँ पे आप उसका यस। आंसर पेयर्स भी लिख दो। कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ड्रोसोफिला का पता होना चाहिए, और एटलीस्ट पर्ण का, तो इन सब के आपको पेयर्स भी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जितना ज्यादा होगा उतना ऑर्गेनिज्म का साइज भी ज्यादा होगा। तो आपको इससे यहाँ पे बात पता चली बच्चों के क्रोमोसोम जो हैं, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। क्रोमोसोम्स आपको हमेशा कैसे मिलेंगे? पेयर्स की फॉर्म में। पेयर्स क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स। अच्छा, किस तरह? मिसाल के तौर पर इसमें भी दो टाइप्स हैं, तो आप क्रोमोसोम को बहुत सारी डायग्राम्स में इस तरह भी बनता हुआ देखोगे, शायद देखा होगा हमने। देखिए यस। ये वाला बात सारी ये कि इन दोनों में कुछ है भंड, मैं बता देता हूँ क्या सीन है। ये है स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्रोमोसोम्स की टाइप्स। तो ये वाला जो है इसका एक नाम, ये वाला जो है इसका एक नाम, इस ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये वाले कौन से हम लोग? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हाँ सही। और ये वाले जो है नॉन होमोलोगस, ये वाले कौन से? नॉन होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जिनका साइज भी क्या है सेम है, सेम, जिनका स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम। जिनकी जीन्स, जिनके अंदर जीन्स होती हैं सेम नंबर ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होती हैं बता देता हूँ, और जीन्स जो होती हैं उनकी जो लोकेशन है जिसको लोकाई भी कहते हैं वो भी क्या होती है सेम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? डिफरेंट इन साइज, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, और डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स। ऐसी है, डिफरेंट इन साइज, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, यस। अब ये जीन्स क्या है तो आपको ये भी बता देता हूँ भाई, क्या सीन है, कौन किसके अंदर है। देखो सेल के अंदर, गुड, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है, चलो हमने डायरेक्ट बोल दिया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मैंने बनाए इस तरह, क्रोमोसोम के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका नाम, जिसका होता है नाम डी से आता है, वो जेनेटिक डीएनए। मटेरियल को कहते हैं। वेरी गुड, डीएनए, दिस वन इज डीएनए एंड दिस वन इज क्रोमोसोम। अगर मैं इस डीएनए को देखूं गौर से, अगर मैं इस डीएनए को देखूं गौर से करीब से, तो इसके एक यूनिट को हम लोग कहते हैं जीन।
ये हेरिडिटी मटेरियल है। जी बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोल दो, हेरिडिटरी मटेरियल बोल दो, तो प्यारा सा छोटा सा लग रहा है ये, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों इसको मैं बड़ा कर, हाँ क्यूट ठीक। सा लग रहा है ये, तो क्योंकि है भी तो बहुत छोटा सा ना, तो ये आपके पास है जीन, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए का एक टुकड़ा, एक फ्रेगमेंट है जीन, तो वो बेसिकली वो जीन्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। खैर अभी हमारा जीन टॉपिक नहीं है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम सामना, इफ्रा होमोलोगस और नॉन इनवर्ट, होमोलोगस। सही। तो अगर आप इसमें जहां से स्नैपशॉट लेने ले लो, फिर क्लास एंड हो जाएगी, तो फिर दोबारा सेम मीटिंग पर आ जाएगा। अब आप बता दो कहाँ से, आपने जो लिखे हुए हैं पेनिसिलियम, ये सब ये इम्पोर्टेंट वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट वाले हैं। सही। ले लिया सर। डन, सही, अभी आ जाना सेम मीटिंग पे जब मीटिंग एंड हो जाए।